फर्स्ट ऑफ ऑल सबको गुड आफ्टरनून, मेरा नाम साहिल है, हम अरुणाचल यूनिवर्सिटी ऑफ स्टडीज़ नामसाई से आया है। हम वहाँ पे एज अ सेंटर मैनेजर है स्किल डेवलपमेंट में। हम लोग क्या है कि एक्चुअली वहाँ में DDG के रन कर रहा है, वर्ल्ड एजुकेशन मिशन नाम से हमारा PI नेम है। और हम लोग क्या है कि जितने भी जैसे अनयूथ होते हैं और आपके जो मतलब पढ़ाई लिखाई करके ऐसे बैठ रहे होते हैं, मतलब कुछ नहीं कर रहे आगे, बस जैसे ग्रेजुएट हो गया या मास्टर्स करके ऐठे बैठ रहे हैं ना, वो लोग के लिए क्या है, गवर्नमेंट ने एक स्कीम लॉन्च की है DDGKY। इसमें क्या होता है कि वो लोग को थोड़ा सा ट्रेनिंग देने के बाद क्या होता है, उन लोग को प्लेसमेंट मिल जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर बोला जाए, एक तरह से ये प्लेसमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम है। जैसे वो लोग 3 months, 4 months, 5 months ट्रेनिंग करने के बाद वो लोग क्या है अपना अपना प्लेसमेंट कर सकता है अच्छे से। प्लेसमेंट बोलने से ऐसा नहीं है कि मतलब अरुणाचल में इसका जो प्लेसमेंट रहता है वो बाहर रहता है, क्योंकि उसके पीछे रीज़न है बहुत बड़ा, क्योंकि यहाँ में इंडस्ट्री थोड़ा सा कम है करके, और बाहर में क्या इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा होता है करके। और मेरा जो ट्रेनिंग है वो स्विंग मशीन ऑपरेटर का है, जिसका ड्यूरेशन 3 months का है। और इसमें क्या क्या है, और साथ साथ हम लोग बच्चा लोग को कंप्यूटर सिखाता है बेसिक नॉलेज, और साथ साथ इंग्लिश बोलना सिखाता है, और साथ साथ मतलब ऐसा नहीं है मतलब कि ट्रेनिंग दे रहा है तो साथ में कुछ और नहीं देगा। हम लोग के ट्रेनिंग सेंटर में बच्चा लोग को हॉस्टल फैसिलिटी मिलता है कि आप वहाँ पे आइए। हॉस्टल फैसिलिटी जो है वो फ्री रहता है, जैसे फूडिंग फ्री है, हॉस्टल फ्री है, जितना भी स्टडी मटेरियल है जो यूज़ होता है इसके अंदर ट्रेनिंग के अंदर, वो भी टोटली फ्री है। मतलब बोला जाए तो एक तरह से गोल्डन अपॉर्चुनिटी बच्चों लोग के लिए कि एकदम फ्री ट्रेनिंग उन लोग के लिए हो रहा है, बस अच्छे से आना है, ट्रेनिंग ज्वाइन करना है और उसके बाद प्लेसमेंट मिलता है करके। मेरा जो है ऑलरेडी हम लोग यहाँ में नाम से अरुणाचल यूनिवर्सिटी में 300+ कैंडिडेट को ट्रेन कर चुका है, और मेरा जो प्लेसमेंट है वो अराउंड 170-180 के आसपास हो चुका है। हम लोग बच्चा लोग को अच्छे से ट्रैक भी करता है, ऐसा नहीं है कि ट्रेनिंग दिया और प्लेसमेंट के लिए बाहर भेज दिया, ऐसा नहीं है। प्लेसमेंट में जाने से पहले हम लोग खुद इंश्योर करता है वहाँ जाके कि बच्चा लोग जहाँ में रहेगा, क्योंकि क्या है कि अरुणाचल के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है बाहर में सर्वाइव करना। तो हम लोग क्या है, बच्चा लोग को अच्छे से छोड़ के आता है, उनका लॉजिंग अच्छे से अरेंज करके आता है, फूडिंग अरेंज करके आता है। उससे क्या है, बच्चा लोग थोड़ा यूज्ड हो जाता है प्लेसमेंट में, मतलब क्योंकि काम करने आएगा, काम करके जब लौटता है करके, तो एट द एंड ऑफ द डे उसको ना फूडिंग और लॉजिंग भी तो मैनेज करना ही है ना। तो हम लोग क्या है, अच्छे से उसको मैनेज कर देते हैं। और साथ साथ गवर्नमेंट ने इसमें एक तरह से एक स्टाइफन अमाउंट लगा रखा है, जैसे कि उसको बोलते हैं हम लोग PPS, पोस्ट प्लेसमेंट सपोर्ट। इसमें क्या होता है, बच्चा लोग को हर मंथ कुछ लमसम अमाउंट मिलता है, जैसे 1000-1200, कि बच्चा अपने आप को जो मतलब कि बेसिक जो नीड होती है वो पूरा कर सके कम से कम। और साथ साथ ये जो ट्रेनिंग है ये ओनली फॉर APSG होती है, मतलब आपको APSG होना पड़ेगा, PRC आपके पास होना चाहिए, और आप 18+ पर। और इसमें क्या है, मिनिमम जो है क्वालिफिकेशन भी है, जैसे बोलने से हम लोग के पास 8 पास बच्चा मिनिमम क्वालिफिकेशन चलता है करके, ऊपर होने से ज़्यादा भी हो सकता है। और जैसे बोला जाए तो APSG के लिए, और हम बोलेगा कि जैसे अब ये हो गया कि APSG के लिए हो गया ना, तो क्या होता है कि यहाँ में लोकल लोग भी बहुत सारा होता है करके, तो हमारे यूनिवर्सिटी में क्या है कि ट्रेनिंग चलता रहता है, मतलब इसको छोड़ के भी अदर ट्रेनिंग भी चलता रहता है। लाइक ये तो DDGKY हो गया जो सिर्फ APSG के लिए, हमारे वहाँ में अदर ट्रेनिंग भी चलता रहता है, लाइक जैसे PMKY हो गया आपका, KVIC हो गया, ऐसे अदर ट्रेनिंग भी चलता रहता है। तो हो सके तो आप जरूर ज्वाइन कीजिएगा, ये मेरा पैम्पलेट है लाइक, ठीक है। और मेरा जो पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर है वो है 9971596914। थैंक यू। गुड आफ्टरनून, मैं प्रोग्राम मैनेजर सैमसन सुंडी फ्रॉम क्वेस्कोप लिमिटेड। हमारा सेंटर ईटानगर में है और यहाँ पे हम लोग 2 ट्रेनिंग प्रोग्राम चला रहे हैं, स्विंग मशीन ऑपरेटर और रिटेल सेल्स एसोसिएट का। तो इसमें आपको रेजिडेंशियल प्रोग्राम होने की वजह से वहाँ पे आपको जाके ट्रेनिंग करना पड़ेगा। पहले आपका सबसे पहला रिक्वायरमेंट ये है कि आपका 18 ईयर्स होना चाहिए, 18 से 35 ईयर्स के बीच के जितने भी बेनिफिशियरीज हैं वो आ सकते हैं। और हमारे ट्रेनिंग सेंटर में फ़िलहाल हम सिर्फ गर्ल्स को ट्रेनिंग दे रहे हैं, और यहाँ पे लगभग हम लोग अब तक 640 बच्चों को ट्रेनिंग दे चुके हैं। और यहाँ ट्रेनिंग करने के बाद आपको जॉब बेंगलोर में मिलेगा, हैदराबाद में मिलेगा, और आपको मिनिमम 10,000 रुपीज़ से स्टार्ट होता है जब आप ज्वाइन करेंगे। तो ये प्लेसमेंट लिंक प्रोग्राम है जैसे हमारे साथी ने कहा, तो इसमें आपको हर तरह का फैसिलिटी दिया जाता है। जैसे आप जब आते हो तो फिर आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाएगा पर्टिकुलर ट्रेड पे, उसके अलावा आपको कंप्यूटर सिखाया जाएगा, आपको कैसे बोलना है, कैसे लोगों से बात करना है, ये सारी चीज़ें सिखाई जाएगी। इसके अलावा जब आपको प्लेसमेंट
में जाओगे तो वहाँ पे जब आप कंप्लीट करते हो 3 महीना तो आपको पोस्ट प्लेसमेंट सपोर्ट के तौर पे कुछ अमाउंट भी मिलता है। इसके बाद जब आप वहाँ से कंप्लीट करके आओगे तो फिर आपको आप खुद भी अपने यहाँ पे स्विंग मशीन लेकर के अपना खुद का स्विंग मशीन यहाँ पे आप इंस्टॉल कर सकते हो, इसके बाद अपना जीविका चला सकते हो। तो बेसिकली ये जो हमारा प्रोग्राम है ये उनके लिए है जो अभी पढ़ाई नहीं कर रहे हैं या तो फिर ड्रॉप आउट हो गए हैं। इस तरीके के जितने भी बच्चे हैं अक्रॉस द अरुणाचल प्रदेश जितने भी बच्चे हैं उनके लिए हम लोग ये प्रोग्राम अरेंज कर रहे हैं। हम अभी फ़िलहाल सिर्फ यहाँ पे 3 PIA आए हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे PIA हैं, डिफरेंट ट्रेड्स है इसका, तो उस अकॉर्डिंगली जिसमें जिसको पसंद आता है उसमें वो लोग एनरोल कर सकता है। थैंक यू। गुड आफ्टरनून, मेरा नाम संदय किंग है, हम इसकमिंग का है। तो मेरा PIA का नाम स्मार्ट ब्रेंस है, तो हम उसका मोबिलाइजर है। हम सर ने सब कुछ बता दिया, सेम है बस ट्रेट अलग है। मेरा ट्रेट है स्मार्टफोन असेंबली टेक्नीशियन, मोबाइल फ़ोन को कैसे बनाना है वो सिखाता है। 7 मंथ का कोर्स है, उसके बाद जितना ये है वो फ्री ऑफ कोर्स है, खाना पीना बैठना पूरा फ्री ऑफ कोर्स है। उसके बाद आपको यहाँ पे ज्वाइन करने के लिए पैसा नहीं लगेगा, बस आपका डॉक्यूमेंट्स चाहिए, आपका डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट है, उसका आधार कार्ड चाहिए, पैन कार्ड चाहिए, BPL जो अपना फैमिली का चाहिए, आपका पापा या मामी का चाहिए। उसके बाद क्लास 10 पास सर्टिफिकेट, मेरा क्लास 10 पास सर्टिफिकेट से पास से ले रहा है। उसके बाद ये ST अरुणाचल शेड्यूल ट्राइब ये ST चाहिए, और उसके बाद ये बैंक पासबुक और पास फोटो। मेरा लोकेशन है चिंपू 1 ईटानगर में है। थैंक यू। और एक्चुअली इसमें हम कुछ ऐड करना चाहेगा थोड़ा सा, देखिए जैसे हम लोग जो है, जैसे अभी क्या है कि हमारे अदर दोस्त नहीं आ पाए हैं, उन लोग का भी अलग अलग ट्रेड है ना। जैसे हम लोग क्या पर्टिकुलर लड़की लोग के लिए आए हैं हमें ना, जैसे मेरा स्विंग मशीन लड़कियों के लिए हो गया ना, और सर का भी स्विंग मशीन लड़कियों के लिए, बस लोकेशन डिफरेंस है ना, मतलब नामसा है और ईटानगर, ऐसे इनका भी लड़की लोग के लोग है ना। तो इसमें क्या है कि लड़का लोग के लिए अलग अलग ट्रेड है, जैसे बोलने से उन लोग के लिए इलेक्ट्रिशियन का ट्रेड है जिसमें लोग को 6 मंथ का ट्रेनिंग देते हैं इलेक्ट्रिशियन का, उसका प्लेसमेंट होता है उन लोग का। लड़का लोग के लिए JCB का है, और लड़का लोग के लिए होटल मैनेजमेंट का भी है कि जैसे बड़े बड़े जो होटल होते हैं वहाँ में कैसे मैनेज करना है, क्योंकि हमारे कुछ बच्चे अभी ताज होटल में भी काम कर रहे हैं, मतलब वन ऑफ द फाइनेस्ट होटल इन इंडिया, ताज होटल में काम कर रहे हैं, ओबेरॉय होटल में काम कर रहे हैं जो हैदराबाद में प्लेस्ड है, और वो लोग अच्छा सैलरी अर्न कर रहे हैं। आप खुद सोचिए, लाइक आपको छोटी सी ट्रेनिंग जो होती है होटल मैनेजमेंट की वो 3 ईयर्स की होती है ना, या मैं आपको 6 मंथ्स या 3 मंथ्स की ट्रेनिंग के बाद आपको डायरेक्टली प्लेसमेंट मिल रहा है ना। तो हम लोग से आप रिक्वेस्ट यही होगा कि आप लोग जितना हो सके उतना ज्वाइन कीजिए, और बेसिकली ज़रूरतमंद है ना, जिनको सच्ची में नीडी है, मतलब जो नीडी है उसी के लिए ना ये, मतलब जो ऐसी पढ़ाई कर रहा है वो अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखे, मतलब जो ड्रॉप आउट है या बहुत ज़्यादा पढ़ के मतलब ऐसे ही बैठ रहा है, कुछ नहीं कर रहा करके ना, वो लोग बेसिकली ज्वाइन कीजिए। ऐसा नहीं है कि कोई 10th कर रहा है वो छोड़ के ज्वाइन कर, ऐसा नहीं है। आप लोग अपनी स्टडी कंटिन्यू कीजिए, आप लोग अपना आगे फ्यूचर नहीं करके, जो लोग का फ्यूचर थोड़ा सा वो हो गया करके डिस्टर्ब हो गया उन लोग के लिए बेसिकली ट्रेनिंग है करके ना। और ये जो मैं थोड़ा बताना चाहूँगा, एक्चुअली में ये अरुणाचल गवर्नमेंट के अंदर एक पार्ट आता है ASRLM करके, अरुणाचल स्किल लाइवलीहुड मिशन करके, इन लोग का दो पार्ट होता है एसएलयू बुलाने से, आपने SHG का नाम सुना होगा, इनका SHG पार्ट होता है, एक पार्ट होता है लाइवलीहुड। लाइवलीहुड बोले तो मतलब जो मतलब आम जनता है उन लोग का लाइवलीहुड देखना ना, कि वो लोग कैसे रहन सहन है, क्या मतलब उनका प्रोग्रेस स्टेटस है, क्योंकि हर चीज़ को नोटिस किया जाता है ना एज पर द गवर्नमेंट, उन लोग का जॉब स्टेटस नोटिस किया जाता है, उनका फैमिली स्टेटस नोटिस किया जाता है। तो हम लोगों ने हमें देखा कि बहुत सारा ऐसे एनयूते होता है जो ऐसे बैठ रहा करके ना, तो इसलिए क्या है कि अरुणाचल गवर्नमेंट ने ये स्कीम यहाँ लॉन्च की है, जिससे क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है जुड़े और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो प्लेसमेंट जा सके, मतलब ना कुछ ना कुछ काम कर सके। लाइक मैं बताऊँ मेरा एक्सपीरियंस बोलो तो मेरे को 4 साल हो गए इस फील्ड में, और मैंने ये देखा है कि मेरे स्विंग मशीन के जो बच्चे हैं, मतलब वो जो ट्रेनिंग लेने के बाद अच्छे से अपना हाथ साफ करने के लिए बैंगलोर गए, मतलब कि देखिए सीख लिया, अब थोड़ा सा हाथ की सफाई भी तो करनी है ना। जैसे उन्होंने क्या किया, कम से कम 1-2 साल वहाँ में काम किया, अच्छे से सीखा और अच्छे से सीखा, फिर उनको लगा कि अरुणाचल में तो हम कुछ अपना कुछ कर सकते हैं ना करके। तो मेरे कुछ बच्चों ने तेजू में बुटीक खोला है, ईटानगर में खुद का बुटीक चला रहे हैं, रोइंग में खुद का बुटीक चला रहे हैं। इवन आप यकीन नहीं करेंगे, जो बड़े बड़े जैसे जो मिस अरुणाचल खेलते हैं, मतलब मिस अरुणाचल में पार्टिसिपेट करते हैं, वो लोग के भी कपड़े वो लोग डिज़ाइन करते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि मतलब सीख लिया तो ऐसा नहीं, मतलब वो लोग कपड़े वो लोग डिज़ाइन करते हैं अच्छे से ना। और उन लोग को क्या अब क्या है कि खुद का भी एक सेटअप हो गया, बिजनेस हो गया, तो क्या होता है कि फैमिली में इमेज बन जाता है ना। तो इतना ही बोलेंगे बस, यही रिक्वेस्ट आपसे कि जितना भी अनयूथ होगा उन लोग को सजेस्ट कीजिए, हम लोग का नंबर और पैम्पलेट आपको मिल जाएगा। एंड थैंक यू सो मच वंस अगेन। और कुछ पॉइंट्स और ऐड करना चाहूँगा, जैसे अभी सर ने कहा कि यहाँ पे जितने भी बच्चे हैं ना उनके
बैकग्राउंड चेक करना ज़रूरी है। जब आप वहाँ पे इनरोलमेंट करवाओगे तो फिर बच्चों के पास डॉक्यूमेंट्स जो रिक्वायरमेंट है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो रिक्वायरमेंट फुलफ़िल नहीं करने से क्या है कि वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। जैसे यहाँ पे हमारा कुछ कुछ डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे ऑलरेडी हमने मेंशन कर दिया है, बट स्टिल हमारे पास पैम्पलेट्स में भी ये मेंशन है, तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी होंगे जब भी वो लोग इनरोलमेंट के लिए आते हैं। तो मैं क्वेस्कोप लिमिटेड से हूँ, तो मैं अपना नंबर बता देना चाहूँगा, 7488380929 नंबर है। तो जिस किसी को भी ज़रूरत पड़े ईटानगर में स्विंग मशीन ऑपरेटर का ट्रेनिंग करने के लिए, तो इस नंबर पे वो लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सर। ये आप तीनों अलग अलग वहाँ से आए हैं ना, तो ये जो आपका प्रोग्राम है ये थ्रू आउट द ईयर चलता है, कभी भी एडमिशन ले सकते? एक्चुअली क्या है कि इसमें बोलने से क्या है कि गवर्नमेंट का एक टारगेट, सेट ऑफ टारगेट हम लोग को मिलता है। जैसे मेरा खुद का टारगेट 450 है, सर का अलग होगा, सर का अलग होगा। अगर क्या है मेरा 450 में से अभी 300 फुलफिल हो गया है, मेरा 150 टारगेट लेफ्ट बचा है, और जिसमें से मेरा अभी सेंटर में 70 कैंडिडेट्स चांगलांग डिस्ट्रिक्ट से आए हैं, वो लोग भी उनका रजिस्ट्रेशन चल रहा है करके। तो ऐसा क्या है, ये चलता रहता है, डिपेंड करता है कि हमारे सेंटर कैपेसिटी पे। मेरा जो सेंटर का कैपेसिटी है वो 140 है, हर सेंटर का अलग कैपेसिटी है ना। जैसे ही 140 फुल हो जाता है तो हम थोड़ा सा होल्ड कर देते हैं, फिर जैसे ही हम लोग को, जैसे अब ऐसा नहीं है कि मतलब टारगेट फुलफिल हो गया तो आगे क्या होगा, बच्चे का क्या नहीं होगा, फिर क्या होता है हम लोग गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करते हैं, तो हम लोग को नेक्स्ट टारगेट भी हम लोग मिल जाता है करके। फिलहाल हमारे पास अभी इनरोलमेंट चल रहा है क्वेस्कोप लिमिटेड में, ईटानगर सेंटर है इसका, तो वहाँ पे इनरोलमेंट चल रहा है स्विंग मशीन ऑपरेटर के लिए। अगर इस चीज़ के लिए अगर कोई इंटरेस्टेड है तो अभी वो लोग तुरंत इनरोल करवा सकता है। आपका? जी मेरा भी वही है, मेरा ये टारगेट जो 308 है, तो मेरा अभी ट्रेन जो 207 हो गया, तो और अभी आगे चल रहा है जी। आज आप लोग ने जो यहाँ ये जो प्रोग्राम रखा है यहाँ पे, देखा जाए तो यहाँ पे कुछ आया नहीं है ये प्रोग्राम के लिए, तो आपको क्या लगता है कि इसका क्या रीज़न हो सकता है, क्या छूट पर गया इस प्रोग्राम? देखिए एक्चुअली क्या होता है ना कि जैसे क्या होता है कि ब्लॉक मिशन टीम तो अपना पूरा अच्छे से काम करती है, मतलब सर्कुलेट करती है चीज़ों को, बट क्या होता है कि हर कोई अवेलेबल नहीं होता ना। एग्जाम्पल के तौर पर क्या होता है, जैसे मैं हूँ, मुझे ट्रेनिंग लेने का बहुत मन है, मतलब ठीक है ब्लॉक ने मुझे बताया, बट क्या हुआ कि आज ही प्रोग्राम है, आज ही मैं बिज़ी हो गया ना। तो ऐसा भी बहुत सारा कंडीशन आता है कि मतलब कि बिज़ी हो जाने से क्या होता है कि बोलो नहीं आ पाता करके। तो हम लोग इसीलिए क्या करते हैं, ब्लॉक लिंक को अपने बता देते हैं कि हमारा कैसा कैसा प्रोग्राम है, क्या क्या इनरोलमेंट करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, तो फिर वो ब्लॉक टीम को कॉन्टैक्ट करके वो लोग हमको नंबर शेयर कर देते हैं, देन हम लोग उसको इनरोल कर लेते हैं। जैसे मैं आपको एक केस बताऊँगा, मैं एग्जाम्पल के तौर पर मैं भी चांगलांग साइड गया था, तो क्या हुआ कि वहाँ में कुछ बच्चों को क्या हुआ कि वो बच्चे आ नहीं पाए चांगलांग में, तो वो लोग क्या किया, उन लोगों ने मेरा नंबर ले लिया, फिर उन लोगों ने ब्लॉक टीम से कांटेक्ट करके डॉक्यूमेंट शेयर करके देन वो लोग इनरोल हो रहे हैं करके। तो सर जैसे कि आपका जो है स्मार्टफोन है सभी टेक्नीशियन देखा, तो इसमें जो वॉइस होता है उनका बहुत सारा काम होता है ये चीज़ पे, तो आपने आप लोगों ने गर्ल्स पे क्यों फोकस किया इस चीज़ पे? जी मैम ऐसे है कि पहले मेरा बैच 1 से लेकर 5 तक हमने ये 207 लड़का हमने ट्रेन कर दिया वॉइस का, तो और अभी ये एक बैच चल रहा है, ये बैच 6 होगा, तो यहाँ में भी ये 10 कैंडिडेट जो लड़का है, उसके बाद ये 25 लड़की होगा, फीमेल होगा। जैसे कि ये हम लोग का नॉम्स में है, मेरा एक बैच में 35 करके कैंडिडेट होता है, तो वही है अभी। इस पे मैं ऐड करना चाहूँगा, जैसे आपका क्वेश्चन था ना ज़्यादा क्लैरिटी के लिए, जब हमको नंबर एनरोल किया अलॉट किया जाता है तो उसमें गर्ल्स का और बॉयज़ का एक टारगेट होता है पर्टिकुलर पीआईए के लिए। तो इनके पास जैसे उन्होंने कहा पर्टिकुलर नंबर ऑफ सेट ऑफ नंबर है जो बॉयज़ के लिए है और कुछ गर्ल्स के लिए, हो सकता है फुलफिल हो गया इसलिए वो भी गर्ल्स के लिए कर रहे हैं। जैसे हमारे पास भी पहले हमने दूसरे सेंटर में बॉयज़ लिए थे, अभी वो फुलफिल हो गया है, तो अभी सिर्फ हमारा टारगेट जो रिमेनिंग टारगेट है वो गर्ल्स के लिए, दैट्स वाई। अगर कोई यहाँ पे जैसे कि आज तो प्रोग्राम में नहीं आ पाए जो स्टूडेंट्स हैं उन लोगों नहीं आ पाए, तो अगर कुछ जानना चाहेगा इस प्रोग्राम के बारे में, आप लोग कॉन्टेक्ट करके या आप लोग वापस यहाँ पे आएंगे सेंटर से, या फिर उन्हें वहाँ पे एनरोल करना पड़ेगा? नहीं, उस चीज़ के लिए फ़िलहाल तो आज हमारा प्रोग्राम था, तो आज के लिए सिर्फ हम लोग यहाँ आए हैं,
इन फ्यूचर अगर हम लोग किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट में या तो फिर किसी दूसरे ब्लॉक में हमारा कुछ प्रोग्राम बनता है तो डेफिनेटली हम लोग फिर से दोबारा आएंगे, और जैसे हम लोगों ने अपना सारा डिटेल्स दे ही दिया है तो उस पर अगर कॉन्टैक्ट करके वो लोग कभी भी अगर ब्लॉक टीम चाहे तो फिर हम लोग दोबारा भी आ सकते हैं, ब्लॉक अरेंज करेगा तो हम लोग दोबारा आएंगे, क्योंकि हमारा वो काम ही है इनरोल करना, बच्चों को ढूंढना, तो ब्लॉक टीम के हेल्प से और SRLM के हेल्प से ये सारी चीज़ें हो रहा है, तो फिर डेफिनेटली विल बी मोर देन हैप्पी टू कम बैक अगेन। मतलब बेसिकली ऐसा होता रहता है, मतलब बहुत सारी जगह में ऐसा होता रहता है, तो उस केस में क्या होता है कि जैसे आज मैंने बताया ना आपको बच्चे कुछ नहीं आ पाए करके, तो ब्लॉक क्या करता है फिर एक गैदरिंग व्यू रखता है दोबारा से करके, हम लोग इन्फॉर्म कर देते हैं, हम लोग फिर दोबारा आ जाते हैं, क्योंकि हम लोग चलता रहता है ना, आप बोलेंगे सर हम लोग चलते रहते हैं। जैसे मैं अपना बताऊं, मेरा अभी चांगलांग में भी चल रहा है, चांगलांग में भी टीम गई है, एक टीम मेरी अभी अंजाव में भी जाएगी, एक टीम मेरी ऑलरेडी नामसाई को भी कवर कर चुकी है, तो हम लोग करते रहते हैं, बड़े स्केल पे ये चीज़ होती रहती है, तो ये कंटिन्यू चलता रहता है, मूव ऑन चलता रहता है। बट ये होता है कि टाइम डिस्टेंस में होता है, जैसे ब्लॉक टीम चाहे तो लाइक 10 दिन के बाद हम लोग को एक और गैदरिंग रख सकती है, अगर कैंडिडेट्स वो लोग इंटरेस्टेड होते हैं, वो लोग आने के लिए रेडी हो जाते हैं, मतलब बच्चे बोलते हैं हम आ जाएंगे सर आप उनको बुला दीजिए, तो हम लोग जरूर आएंगे, क्यों नहीं आएंगे, हम लोग तो नीडी है ना, हम लोग तो नीडी है कि हम लोग को अपने सेंटर फुल कैपेसिटी में चलाने हैं, कि गवर्नमेंट के नॉर्म फिल्स करने हैं, डेट्स फाइन।